हेलो गाइस, राधे राधे, मोस्ट वेलकम। तो आज बारिश हो रही है तो मैंने सोचा पालक रखा था, तो ये 250 ग्राम पालक और 250 ग्राम आलू ले लिए हैं मैंने। तो इसमें डाल दी सौंफ आधा चम्मच, जो अचार में सौंफ डालते हैं वही। तो ये है 2 प्याज, हरी मिर्च और अदरक, ये भी मैंने डाल दिया है। अदरक को कद्दूकस कर रखा है, हरी मिर्च को काट रखा है, प्याज को लंबे स्लाइस में कट कर दिया है और नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक कम ही डालें, ज़्यादा नहीं डालना है पकौड़ी, क्योंकि हम लोग चटनी के साथ खाते हैं। तो इसमें डाल दिए थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च कम इसलिए डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च पहले से ही डाल दी है। और डाल दिया है हींग। हींग बहुत ज़रूरी है डाइजेशन के लिए भी और हेल्थ के लिए भी, तो मैंने हींग सबसे पहले डालती हूँ। और उसके बाद मैं कर दूँगी बेसन मिक्स इसमें। तो बेसन मैं मिक्स करते करते ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो पहले मैंने बड़े वाले 2 चम्मच डाल लिया है, उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है, जिससे कि पकौड़ी हमारी एकदम क्रंची बनेंगी और एकदम सॉफ्ट बनेंगी। उसके बाद मैंने हाथ से इसको मिक्स कर लिया है और 2 चम्मच बेसन इसमें कम रहेगा, लेकिन पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो कितना ज़रूरत है उसी हिसाब से मैं बाद में और ऐड करूँगी। तो बस ये मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह हो गया था। तो 2 चम्मच भर के बेसन मैं इसमें और डालूँगी, तो टोटल 4 चम्मच बेसन हुआ। तो हल्का सा पानी का छींटा मार के इसमें और कर दूँगी हाथ से मिक्स। ज़्यादा नहीं डालना पानी, बहुत हल्का डालना है, क्योंकि पालक तो पानी खुद ही छोड़ देता है और प्याज भी पानी रिलीज कर देती है अपना। तो उसके बाद इसको हाथ से मिक्स कर लेना है और बहुत ज़्यादा मैसी करके नहीं करना, थोड़े हल्के हाथ से ही करना है, ताकि जो हमारा पालक है वो ज़्यादा टूटे नहीं, क्योंकि पालक को मैंने बारीक काट रखा था पहले से ही। और मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से हो गया था। तो बस तेल को अच्छा सा गरम कर लें। तो मैं टेम्परेचर को चेक कर रही थी तेल का, तो मेरा तेल हो चुका था। तो बस इसको मैं निकाल दूंगी और बाकी के पकौड़ी इसके अंदर डाल दूंगी। तो तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि ना कढ़ाई का जो निकला हुआ तेल है, फिर उसे बाद में इधर उधर करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं आधी चीज़ों में लड्डू गोपाल की वजह से प्याज का यूज नहीं करती हूँ। तो जो प्याज वाला तेल रहता है, फिर बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, इसीलिए मैं ज़्यादा तेल नहीं डालती कढ़ाई में। तो बस ये छोटी छोटी पकौड़ी मैं इसमें डाल दूंगी, और आप चाहें तो अपने अनुसार कोई और शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाली सबसे जल्दी और सबसे बेस्ट लगती है। तो मैं फटाफट ये हाथ से इस तरह से डाल दूंगी, और एक बार में आधी डाल दूंगी, दूसरी बार में पूरा मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो बस डालने के बाद, और गैस मेरी का इस समय तो हाई है, लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं कम कर दूंगी, ताकि ये मेरी पकौड़ी जले नहीं और अंदर से कच्ची ना रहे। तो कम गैस में जब सेकते हैं तो हमारी अंदर तक सिक जाती है, तो गैस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कब हमें ज़्यादा चाहिए कब हमें कम चाहिए, उसी तरह से हम रखेंगे। और बारिश का मौसम है, ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, तो कभी कभी बनाते रहना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि आज बना देती हूँ, और बहुत दिन बाद बना रही थी मैं। तो बस मेरी एक बार में कढ़ाई फुल करके मैंने डाल दी है, और इसको मैं हटा दूंगी, पहले मैं इसे सेक लूंगी। तो गाइस ये देखो, एकदम पालक की पकौड़ी बन के रेडी है, बहुत क्रंची और बहुत अच्छी बनी है। और बारिश के मौसम में पालक की पकौड़ी बेस्ट लगती है, मतलब पकौड़ी तो किसी भी चीज की वो अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास पालक था तो मैंने मिक्स बनाई। तो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।